नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवा। जयराम सरकार फिर भरेगी कांस्टेबल के 1000 पद। सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले मिलेगा एक रैंक। हिमाचल पुलिस रेजिंग डे पर 70 जवानों को डीजी डिस्क अवार्ड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया सम्मानित। बगैर कार्यकारिणी प्रदेश कांग्रेस कंफ्यूज, दिल्ली की नेशनल रैली में किसे लेकर जाएं? कैबिनेट विस्तार से पहले फीकी पड़ी धवाला की ज्वाला, कहा मंत्री बनाएं तब भी ठीक, ना बनाएं तब भी ठीक। परवाणु में चुनावी मोड में नजर आए सीएम, विपक्ष पर खूब कसे तंज। और दिल्ली में हुई प्रोफेशनल फाइट में उपविजेता रही नूरपुर की सोमी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की जयराम सरकार पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरेगी। प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस रेजिंग डे के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा की। उन्होंने पुलिस विभाग की मांग के अनुरूप सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व पुलिस कर्मियों को एक पदोन्नति देने की भी घोषणा की। उन्होंने हिमाचल पुलिस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सभी पुलिस कर्मियों को विशेष मेडल देने की घोषणा की। पुलिस के जवानों को दी जाने वाली कम सैलरी और राशन मनी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि अगर कुछ कमी रही है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। पुलिस रेजिंग डे के अवसर पर आज 70 जवानों को बेहतरीन कार्य करने के लिए डीजी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों इन जवानों को सम्मान मिला। रिज पर पुलिस बैंड की धुन गूंजी। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने परेड की और सांस्कृतिक झलकियां भी बिखरी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस जवानों को बेहतर कार्य करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बधाई दी। मैं पुलिस स्थापना दिवस पर आज सभी पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वाभाविक रूप से आज के दिन जो है पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए भी है। विषय कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में जो शांति प्रिय प्रदेश है, लोगों की वजह से भी शांति यहाँ पर कायम रहती है और उसके साथ साथ पुलिस महकमे की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें शांति बनाए रखने में है। बहुत कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से अपनी भूमिका को यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी अधिकारी निर्वहन करते हैं तो वो सब साधुवाद के पात्र हैं। हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों अजीब सी स्थिति चल रही है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर 14 दिसंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली होनी है। इसमें सभी राज्यों से कांग्रेस के लोग बुलाए गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस कार्यकारिणी ही नहीं है और अकेले प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में कौन क्या ड्यूटी करेगा, इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज है। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस कार्यालय से जिन पुराने पदाधिकारियों को इसकी रणनीति बनाने के लिए फोन किए जा रहे हैं, वे दो टूक कहते सुने गए कि अब वे पदाधिकारी नहीं हैं। उनके पास जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो वे किस हैसियत से बैठक में आएंगे। शिमला में 5 और 6 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है ताकि दिल्ली की रैली के लिए रणनीति बनाई जा सके। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। जेनेसिस जिला कांगड़ा चंबा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। कांगड़ा के नगरोटा बगवा और योल में नीट जेई एनडीए एचपीसीईटी में देश के बेहतरीन शहरों से फैकल्टी के साथ प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ कोचिंग दे रहा है। बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ ढेरों सुविधाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
जयराम सरकार में होने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला की ज्वाला कुछ धीमी दिखाई दी। काफी अरसे बाद सोमवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे रमेश धवाला ने साफ कहा कि मुझे मंत्री बनाए तो भी ठीक है, ना बनाए तब भी ठीक है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान धवाला ने कहा कि फिलहाल मुझे प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है यही ठीक है। उन्होंने कहा कि आज तक की राजनीति में एक रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यदि कोई साबित करके दिखाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि आज तक की राजनीति में एक रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यदि कोई साबित करके दिखाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को परवाणु पहुंचे। यहां कसौली विधानसभा क्षेत्र के परवाणु में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कांग्रेस के लोग जनमंच को देख अभी तक हैरान रहते हैं और परेशान होते हैं। पहले लोकसभा चुनाव की परीक्षा हुई और हाल ही में धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव की परीक्षा हुई है, जिसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब 2022 के चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हाईकमान को संदेश दिया है कि 2022 में भी बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। और अब खेल समाचार। नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ी सोमी देवी नई दिल्ली में नॉकआउट कॉम्बैट लीग की एक प्रोफेशनल फाइट में उपविजेता रही। सोमी देवी का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश की तेंजिन पामा के साथ हुआ। उक्त मैच के विजेता का चयन वर्ल्ड प्रोफेशनल फाइट के लिए होना था। सोमी देवी के कोच अमित कुमार ने बताया कि सोमी और उसके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के बीच यह फाइट लगभग 12 मिनट चली। शुरू से ही सोमी ने अपने प्रतिद्वंदी पर दबाव बना दिया था, लेकिन कुछ अन्य तकनीकी कारणों से सोमी पिछड़ गई। इस फाइट में उसके चेहरे पर कहीं कहीं चोटें भी आई हैं। गौर हो कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र में हुई प्रोफेशनल फाइट सीरीज में भी सोमी देवी उपविजेता रही हैं। और अब चलते चलते प्रदेश भर में 6 जगह कोल्ड चेन खोलेगा हिमफेड। ऑर्गेनिक खाद भी आएगी बाजार में। प्री विंटर सीजन में लगी बड़ी चपत, प्रदेश को हुआ 18 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगी शिक्षा बोर्ड की टीमें। नशे के खिलाफ अभियान की होगी जांच। और रिवाल्सर के बल में सामान खरीदने गई महिला से दुकानदार ने किया बलात्कार, मामला दर्ज। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं विक्की राजटा की आवाज में यह प्रस्तुति। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।